हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा मैं बार बार देख रहा था, जो डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का रिगार्डिंग के सर आरटीआई आ रहा है, एक आरटीआई आ रहा है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखो, एक आरटीआई मिला है मुझको जो एक मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। अब मैं उसी में आपको ये डिटेल थोड़ी सी बताने वाला हूँ, इसी से आपको आइडिया देने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन क्या हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हम। ठीक है, तो देखिए, कोई अशोक हैं जिन्होंने आरटीआई डाला था 10 जून को। उन्होंने कुछ क्वेश्चन करे थे, तो जिसमें से पहला था कि व्हेन वाज लास्ट रिक्विजिशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएससी रिक्रूटमेंट वाज सेंट टू यूपीएससी, व्हेन विल नेक्स्ट रिक्विजिशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएससी रिक्रूटमेंट बी सेंट टू यूपीएससी। उसके अलावा इन्होंने पूछा है हाउ मैनी वैकेंसीज आर देयर फॉर द पोस्ट ऑफ यूपीएससी वैकेंसी एपीएफसी कैटेगरी टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए, एपीएफसी से रिलेटेड इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, और तीनों क्वेश्चनों में इन्होंने एक तो क्वेश्चन पूछा है कि रिक्विजिशन, लास्ट रिक्विजिशन कब भेजा गया है, एक अगला रिक्विजिशन कब भेजा जाएगा, और दूसरा कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, अब उसके जवाब में जो इन्हें जवाब मिला है आरटीआई के अपना, तो उसमें इन्हें मिला है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एपीएफसी पर्टेन्स टू एचआरएम सेकंड हेड ऑफिस ईपीएफओ, हेंस द सेम हैज़ बीन ट्रांसफर टू सीपीआईओ एचआरएम। अब देखिए, आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिफिकेशन देखिए, तो इसमें आपको, इस आरटीआई में आपको एक चीज़ साफ साफ मिल रही है, और वो ये है कि हेंस द सेम has been transferred to, अब इन्होंने ऑफिस में ये सब भेज दिया है जो ये कह रहे हैं इस चीज़ को, यानी जितनी भी इसके रिलेटेड डिटेल्स हैं वो इन्होंने ऑफिस में भेज दी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, यानी इस चीज़ से देखिए एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ तो हमें पहले से ही पता है, जो अराउंड 160 से 200 जा रही हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि 160 से 200 वैकेंसीज जा रही हैं, इतनी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, उसके अलावा अब इन्होंने ये ट्रांसफ़र कर दिया है एचआरएम सेकंड में, यानी देखो एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट है वो हेड ऑफिस करता है, जबकि एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जोनल ऑफिस के थ्रू होता है, यानी जोनल ऑफिस रिक्विजिशन भेजता है। वो आपको यहाँ इनके चौथे उसमें भी मिल जाएगा जवाब, जब इन्होंने अपना चौथा पॉइंट रखा था और उसमें इन्होंने पूछा था कि हाउ मैनी वैकेंसीज आर देयर एट द पोस्ट ऑफ ईओ एओ टू बी फिल्ड थ्रो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये इन्होंने पूछा था यहाँ पर। ठीक है, और इसके उसमें जवाब इन्हें क्या मिला है कि वैकेंट पोस्ट जो थी ईओ एओ में वो मेंटेन है कंसर्ट जनरल ऑफ जोनल ऑफिस में, तो वो जोनल ऑफिस में भेज दी गई हैं, यानी उसका डाटा आपको जोनल ऑफिस देगा। लेकिन आप एपीएफसी के ऊपर, अगर मैं यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आरटीआई की रिप्लाई से जो हमें मिल रहा है। आरटीआई केवल 1 महीने पुरानी है, 22 जून की है जो रिप्लाई आया, 10 जून के आसपास डाला था, 10 जून के आसपास नहीं, 10 जून को ही डाला था, 22 जून का ये रिप्लाई है। ठीक है, मैंने हालांकि सब्सक्राइबरों ने मुझे पहले भी भेजा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब ये मैंने इस आरटीआई को देखा ना, ये जो लाइन है ना इसमें, ये ही बयां कर रही है कि नोटिफिकेशन आएगा और हर हाल में आएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि मोदी जी ने जब से कहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो 10 लाख जॉब्स हैं वैकेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए, तो देखिए उन 10 लाख में ये वैकेंसीज भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंट है, तो उसमें ये भी मिनिस्ट्री में वैकेंट है पोस्ट, तो ये मत सोचिए कि ये अलग है, ये भी तो यार सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की पोस्ट हैं, तो उस 10 लाख में ये भी तो हैं, बेशक बहुत कम है उन 10 लाख में, लेकिन है तो सही। और यहाँ आपको इस देखिए, हैज द सेम हैज़ बीन ट्रांसफर टू हेड ऑफ, यानी जो इनका ये जो डाटा है ना कि रिक्विजिशन कब भेजा गया है, वो ये सब हेड ऑफिस पर है, यानी इसकी सारी जानकारी आपको हेड ऑफिस देगा, यानी कि इन्होंने एक काम करा है, अगर नहीं किया होता तो यहाँ पर ये इस चीज़ को लिख देते कि इसके बारे में भी कोई प्रोसेस नहीं है वो, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखा है, यानी इस वैकेंसी पर काम हो रहा है। तो यार मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जब से नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन राउंड द कॉर्नर है, लेट हो रही है लेकिन राउंड द कॉर्नर है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए जो 1.5 ईयर में, यानी 1.5 साल में जो इन्होंने वैकेंट पोस्ट को फिल करने का निर्णय लिया है ना, ये 1.5 साल के अंदर प्रोसेस कंप्लीट करने का निर्णय लिया है,
अब अगर मैं इस APFC पर जाऊं, ठीक है, APFC की इस नोटिफिकेशन पे अगर मैं जाऊं, मान के चलिए कभी भी नोटिफिकेशन आए, ठीक है, कभी भी आए किसी भी पीरियड में, मैं ये नहीं कह रहा आज आए कल आए एक महीने बाद आए, ठीक है, किसी भी पीरियड में नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, और मान के चलिए 5 महीने बाद नोटिफिकेशन आती है, यानी 1 साल बचता है 1.5 साल के हिसाब से, तो ये इस 1 साल के अंदर पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या बताई थी कि जब EPFO की एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही होगा। अब देखिए इनके इंटरव्यू हो गए, इनके तो इंटरव्यू हो गए, अब इसमें क्या बचा है, फाइनल रिजल्ट बचा है बस। फाइनल रिजल्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद ही ये रिक्रूटमेंट देंगे, उससे पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि अब तो बस इनको एक तरीके से जो डाटा है वो और शॉर्टन हो गया, क्योंकि कैंडिडेट और शॉर्टन हो गए, इंटरव्यू में और शॉर्टन हो गए, तो कम कैंडिडेट का है और पोस्ट 421 के लिए उन्हें निकालना है, तो बहुत कोई इतना डिले का काम नहीं है, 1-2 महीने में आराम से है, 2 महीने में निकाल देंगे फाइनल रिजल्ट। तो उसके बाद आप नोटिफिकेशन मानकर चलिए कभी भी आ सकती है। और यार जैसा मैं कह रहा था, जो रेगुलर प्रिपरेशन करता रहेगा वो फ़ायदे में रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। बहुत से कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में बार बार रिप्लाई करते हैं कि आप तुम के मजाक करने आ गए हो, देखो मैंने कभी ये नहीं कहा कि केवल इसी पोस्ट के लिए तुम तैयारी करते रहो और किसी पोस्ट के लिए मत करो। हर यार देखो अगर सिलेबस मिल रहा है ना तो सबके लिए करते रहो, अगर सिलेबस सेम आ रहा है, इसका सिलेबस और उनसे मिल रहा है ना आपका और एग्ज़ाम से, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है, उन एग्ज़ाम्स के पेपर देते रहिए। लेकिन यार एक बार चीज़ मान के चलो, आप किसी के में जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, SSC में कर रहे हैं, वहाँ आपकी 60-70,000 सैलरी है। अब इसकी सैलरी पता है आपको APFC की, इसकी 1,10,000 सैलरी है, 1,10,000 सैलरी स्टार्टिंग है ये सैलरी, ठीक है। इन हैंड भी अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 1 लाख तो देंगे। उसके अलावा आपके आपको फ्लैट मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं यार, बहुत ऊंची पोस्ट पर जाओगे आप, ठीक है। तो एक तरीके के अगर आपको ऐसी पोस्ट चाहिए कि हाँ आपको पावर हो उस पोस्ट में, आपको काम करने में मज़ा आए, तो उस पोस्ट के हिसाब से APFC से बेस्ट पोस्ट मैं नहीं समझता EPFO आपको कोई प्रोवाइड करती। EPFO डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये मत कहने लग जाना कि IAS PCR है यार, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, IAS से ऊपर तो कोई है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। लेकिन EPFO डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में टॉप 5 टॉप 10 में जॉब आती है, ठीक है। यार हाथ से मौका मत जाने, तो सीधा सीधा यहाँ मेंशन हो रहा है ट्रांसफ़र है, यानी हो रहा है। मैंने अभी ध्यान से जब मैंने देखा, मेरे को इस लाइन को मैंने जब समझना चाहा इंटरप्रेट करा, तो मेरे समझ में आ रहा है कि यार आने वाली है वैकेंसी, राउंड द कॉर्नर है, और मुझे जो लग रहा है इस साल के एंड तक, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा ये मंथ, क्योंकि फिर ये होता है कि नहीं आई यार तुम पागल बना रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है अभी आने वाले 5 महीने किसी भी टाइम आ जाएगा इन 5 महीने में से नोटिफिकेशन। जो तैयारी कर रहा है वो बेटर है, जो नहीं कर रहा है वो बेकार है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूं यार, क्लासेस स्टार्ट की थी यूट्यूब पर फ्री में, 2 क्लासेस करी, व्यूज़ क्या आ रहे हैं यार, 70 व्यूज़ 80 व्यूज़। अब यार इतने ही कैंडिडेट को थोड़ी पढ़ाने को आए, हमारा 2.5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं केवल, क्या उसमें से 70-80 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी आगे वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता यार इतना पढ़ाने में, इतने कैंडिडेट को पढ़ाने में यार मन नहीं लगता। कम से कम मैंने आपसे कहा है ज़्यादा भी नहीं, एटलीस्ट 200-250 के आसपास वॉचिंग हो तो मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ 200-250 सीरियस कैंडिडेट हैं मेरे चैनल पर पढ़ने वाले। तो कम से कम यार उन दोनों वीडियो को मैंने डाला है, देखना इंडियन पॉलिटी का Lecture 1 Lecture 2 किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ना, हमसे पढ़ना, मैं नहीं कह रहा मैं उनसे बेस्ट हूँ, लेकिन यार जो हमने पढ़ाया काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ाया है, UPSC प्री तक को टारगेट कर रहा है, तो इतने व्यूज़ तैयार चाहिए ना अभी तक के हिसाब से। बाकी हमारी फैमिली ग्रो कर ही रही है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर हो ही रहे हैं ज़्यादा, आप चैनल को प्यार दे ही रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। और देखिए यार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वैकेंसी राउंड द कॉर्नर है, तैयारी पर लग जाइए। बाकी क्लासेस का शेड्यूल और क्या होने वाला है, टाइमिंग क्या होने वाला है, वो भी मैं बताऊँगा आपको कल। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।